नमस्कार, मैं कहानी किचन की से लता तोमर। आज आपको मूंग की दाल का चीला बनाना बताती हूँ, जो आप शादियों में बड़े चाव से खाते हो। मैं सेम टू सेम वही चीला बताऊंगी और आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो उसके लिए मैंने एक कप दाल ली है, ये छिलके वाली दाल ली है हमने। आप धुली हुई दाल भी ले सकते हो और इसे 5-6 घंटे के लिए भिगो देंगे। आप रात में भी भिगो सकते हो, सुबह बनाने हैं तो। इसे पानी में डालेंगे और अच्छे से धो के इसे भिगो देंगे। ये 4-5 घंटे में भीग जाती है, इसे अच्छे से धो लेंगे और भीगने के लिए रख देते हैं इसे। ये हमने अच्छे से धो ली है और पानी थोड़ा ज़्यादा ही डलेगा इसमें, क्योंकि डबल हो जाती है फूल के। ये दाल भीग चुकी है और इसे मैंने धो लिया है। इसमें छिलके होते हैं तो आप इस टाइप से मसल मसल के इसे साफ करोगे, छिलके निकल जाएंगे। थोड़े बहुत छिलके रख सकते हो आप। और इसे हम जार में डाल लेते हैं। हम इसमें 2-3 हरी मिर्ची डाल लेंगे। मैं काट के इसलिए डालती हूँ, जब काट के नहीं डालते तो कई बार मोटी मोटी रह जाती है। इसमें थोड़ा सा अदरक भी डाल लेंगे इसी में काट के छोटा छोटा। थोड़ी सी लाल मिर्ची डालेंगे, 1 छोटा चम्मच डाला है हमने। नमक स्वाद अनुसार डाल लीजिए, मैंने 1 चम्मच डाला है छोटा, 1 सवा चम्मच। थोड़ी सी हींग डाली है, हींग का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और थोड़ा सा जीरा डाला है और पानी डाल के इसे पीस लेते हैं। इसका पेस्ट बना लेते हैं, बिल्कुल महीन पेस्ट बनाएंगे इसका। बस इतना पतला रखना है घोल अपने को। इसमें थोड़ा सा पानी डाला है हमने, थोड़ा हरा धनिया डाला है, बाकी के मसाले हमने पीसते समय ही डाल लिए थे। इस तरह से रखना है। और ये हमने तवा रख दिया है और गैस भी जला दी है। उसके बाद हम इसमें हल्का सा तेल लगाएंगे, कोई भी तेल ले सकते हो आप, घी भी ले सकते हो। और फुल गैस रखेंगे, बहुत तेज गर्म करना है ये। उसके बाद इसे अच्छे से पोंछ लेंगे, ऑयल नहीं होना चाहिए, आप गीले कपड़े से भी पोंछ सकते हो। फुल गैस रखते हुए इसे डालेंगे। अब देखिए आप, इसको ऑयल नहीं होना चाहिए। 2 बड़ी चम्मच भर के डाल दी हमने और उसके बाद इसे चलाएंगे। ये आराम से फैल जाएगा, बस ऑयल नहीं होना चाहिए। अगर ऑयल होगा तो आराम से नहीं फैलेगा। गैस फुल कर रखी है हम लोगों ने। और इसके ऊपर आप ऑयल डाल देंगे, थोड़ा सा घी या ऑयल जो आपको पसंद हो। गैस फुल कर रखी है, बीच बीच में मैं मीडियम भी करूंगी। और ये चिकना है तब तक बता देती हूँ। मैंने कटा हुआ छोटा छोटा प्याज लिया है, इसमें मैंने हरा धनिया डाला है, हरी मिर्ची डाली है, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है, लाल मिर्ची है, नमक है, जो आपको पसंद हो। या आपको कम पसंद है तो नहीं भी डालें। और ये पलट देते हैं, आराम से पलट जाता है। ये मूंग की दाल का चीला है तो इसमें कोई वो नहीं है कि छूटेगा नहीं या बना नहीं पाएंगे। ये फुल गैस कर रखी है हमने, इसे पलट देते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा बना है। आप ऐसे ही बनाओगे तो सेम बन जाएगा। तेज गैस कर लेती है, मैंने मीडियम कर रखी थी अभी। आप खट्टी चटनी, मीठी चटनी, चाय के साथ, कॉफी के साथ कैसे भी खा सकते हो। दूसरा चीला भी बनके तैयार हो गया है। तो वही प्याज डालेंगे थोड़ा सा, गैस सिम कर देते हैं। पनीर डालेंगे, बस गैस बंद कर देते हैं। हमने 2 चीले बना लिए हैं, बहुत ही अच्छे चीले बने हैं, आप देख सकते हो। सर्व करके बताती हूँ आपको अब मैं। ये चीला बनके तैयार हो गया है, आप देख सकते हो। ये जितना देखने में सुंदर लग रहा है उतना ही खाने में है। तो आप बनाइए, अगर पसंद आए तो आप कमेंट्स करिए, लाइक करिए। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।